हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हनी मस्टर वेज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हैं मरी में। दिस इज़ आवर लास्ट डे, सेकंड डे हियर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पिंडी कश्मीर पॉइंट पे हैं। यहाँ से जाती है एक मरी सफारी ट्रेन विच टेक्स यू अक्रॉस द इंटायर कश्मीर पॉइंट। आपको व्यूज़ दिखाती है, तो शायद हम वो करेंगे, व्यूज़ देखेंगे। लेकिन वो सब देखने से पहले देखते हैं कि हमने एक रात पहले क्या किया। मरी पहुँचते हमें बहुत देर हो गई थी। होटल भी हमें काफ़ी देर से मिला, तो बस डिनर करके हम लोग होटल आ गए थे। सुबह नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा होटल टूर, रूम टूर दिखा देते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ग्रीनरी है। These are the beds here. They also have a small closet. सिटिंग एरिया बनाया हुआ है उन्होंने। स्वीट है तो बराबर में इनके एक और ऐसा ही सिमिलर कमरा है। और ये जो है यहाँ बाहर टेरेस में खुलता है, जिसका व्यू इज मैग्निफिसेंट। सही है। हर जगह, हर रूम में ऐसे रेडिएटर्स लगे हुए हैं। देयर इज अ टीवी स्क्रीन। विंडोज़ काफ़ी सारी हैं रूम्स में। ये दूसरा बाथरूम है। This one's pretty big, pretty clean. There's a fan also. और ये है जनाब बाहर का व्यू। अब बाहर से निकलते हैं तो ये आपका व्यू है। सामने रिसेप्शन है, नीचे भी रूम्स हैं इनके। यहाँ पे जो सब हैं ये सब नीचे भी रूम्स हैं। और सब जगह पे इनके अलग अलग टेरेसेस बने हुए हैं, जहाँ पे सिटिंग एरिया है। इनके पास एक स्विमिंग पूल भी है। उस तरफ जो है वो टेनिस कोर्ट, सॉरी बास्केटबॉल कोर्ट है। स्विमिंग पूल है, वो छोटा है, लेकिन इट्स इन दैट एरिया। वहाँ पे हम लोग अभी कश्मीर पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जहाँ से ट्रेन जाती है। लेफ़्ट साइड पे हमारे रिसोर्स सेंटर गवर्नमेंट हाउस है, और जो ट्रेन का जो रूट है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। और सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे मरी को जो है वो वाटर सप्लाई होता है। This is known as Tonle Tank. ये जो सफारी ट्रेन चलती है मरी की, हम उसका वेट कर रहे हैं। एवरी 25 मिनट्स चलती है, और टिकट होता है। टिकट का मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि कितने का टिकट होता है और क्या होता है। तो वे वेटिंग फॉर इट। अभी हमारे सामने सामने निकली है एक अराउंड 5-10 मिनट्स पहले। तो अब जब आएगी तो फिर हम उस पर जाएंगे और वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। हमने टिकट ले लिया, अब हम जा रहे हैं आगे ट्रेन की तरफ। वी आर गोना वेट फॉर इट। ये यहाँ से जाती है ट्रेन। ये अंदर का उसका वो है, स्टेशन कह लें, प्लेटफॉर्म कह लें, कुछ भी कह लें। हम लोग आ गए हैं जो सफारी ट्रेन का जो स्टेशन कह लें, प्लेटफॉर्म कह लें, कुछ भी कह लें, वहाँ पे। वी सिटिंग, वी वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम। अभी टाइम है ट्रेन के आने में। हमने टिकट्स ले लिए हैं। एक एडल्ट का टिकट जो है वो 500 रुपीज़ है, और एक बच्चे का टिकट जो है वो 300 रुपीज़ का है। मैंने देखा सामने लिखा हुआ है मरी आर्काइव्स, तो आई एम गेसिंग कि थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री बताई हुई होगी मरी की। तो लेट्स गो एंड सी। पीछे जो मरी आर्काइव्स का एरिया है, वहाँ पे प्रिजर्व्ड फोटोग्राफ्स हैं, प्रिजर्व्ड हिस्ट्री मरी की। मरी जब शुरू हुआ था तो कैसा था, 1800s में फिर कैसा था, 1900s में कैसा था, और अब करंटली कैसा है। ट्रेन आ गई है तो हम ट्रेन पर चलते हैं। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, नाउ वी वेटिंग कि वो चलेगी। बाकी सब पैसेंजर्स बैठे हैं।
ट्रेन गवर्नमेंट हाउस के गेट से होती हुई अंदर की तरफ से पूरा सर्किट पूरा करती हुई वापस वहीं पे जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ आ जाती है। जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो मौसम बिल्कुल बदल गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, बादल बिल्कुल नीचे आ गए, तो जो व्यूज़ थे वो शायद आगे तक के दूर के हमें नज़र नहीं आए, लेकिन जो फॉग आ गई थी उसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। सफारी ट्रेन एंजॉय करने के बाद हम लोग अब आगे पटियाला की तरफ चलेंगे चेयरलिफ्ट के लिए। ओके, सो वी रीच्ड पटियाला। आज तक मैं पटियाला बोलती थी लेकिन इट्स पटियाला। इसकी स्टोरी मिथ है या रियल है वो हम बाद में बात करेंगे। तो वी रीच्ड हियर, ये बेस है, यहाँ से चेयरलिफ्ट आएगी और पूरा टूर कराएगी, तो वील गो देयर। टिकट होगा तो देखते हैं कितने का टिकट है, क्या सीन है, तो स्टे विद अस। एंट्रेंस है, हम पहुंच गए हैं चेयरलिफ्ट के एरिया में और उसके बाद हम लेंगे चेयरलिफ्ट। ये लाइन लगी हुई है सामने, ये लाइनअप है। लाइन काफ़ी जल्दी चल रही है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो नॉट दैट मच ऑफ अ हैसल, इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा और वैसे भी मौसम भी अच्छा है तो इन्जॉय कर रहे हैं। वैसे मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला पार्ट लगता है, जल्दी से उतरना और जल्दी से चढ़ के बैठने वाला। आप लोगों को कैसा लगता है? हमारी बारी है नेक्स्ट। जी, तो अभी हम हैं पटियाला पे और हम लोगों ने अभी चेयरलिफ्ट की राइड की थी। इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन। मुझे वैसे भी चेयरलिफ्ट पर बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इट्स बहुत रिलैक्सिंग सा ये एक्सपीरियंस होता है, यू सो क्लोज टू नेचर, बहुत मज़ा आता है। हम अब जो हैं जिनका कमर्शियल थोड़ा सा एरिया है, मार्केट बनी हुई है, हम वहाँ पे, मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी वही हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं जो मरी मॉल रोड पे होती हैं। यहाँ पे फ़ोटो की शॉप्स वगैरह हैं। जब आप चेयरलिफ्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पिक्चर्स लेते हैं, मतलब इफ़ यू वांट दिल टेक अ पिक्चर ऑफ यू, फिर वो आपको दे देते हैं, तो यहीं से वो लोग प्रिंट करके आपको देते हैं। दो किस्म की पिक्चर्स होती हैं, एक जो है वो 400 की होती है, विच इज़ अ गुड बिग पिक्चर, बिग साइज पिक्चर, एज इन टू फॉर 400 होती हैं, 1 for 200 होती है, और एक होती है जो एक ही के अंदर वो दो पिक्चर्स आपको प्रिंट करके देते हैं, वो होती है 2 pictures for 100 rupees। डायमेंशंस का कुछ फ़र्क होता है और एक आपको ऊपर से मिलती है पटियाला व्यू पॉइंट से और एक आपको नीचे से मिलती है, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी राइड्स हैं और गेम्स हैं, बहुत सारे वो हैं, घोड़े वगैरह हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप। हॉर्स राइडिंग करते हुए पिक्चर की वो जो है वो 50 rupees है और चेयरलिफ्ट का टिकट जो है वो 1000 rupees पर पर्सन है। केबल कार्स अभी आउट ऑफ ऑर्डर हैं, वो नहीं चल रही इस दफ़ा, सीजन में भी नहीं चली वो, लेकिन चेयरलिफ्ट की प्राइस जो है वो 1000 rupees पर पर्सन है। आई होप आप लोगों को मरी की ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो वहाँ पे नीचे वो भी बताइएगा ताकि अगली दफ़ा हम वो जगहें भी चेकआउट करें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। अगली दफ़ा किसी अच्छी और जगह के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।